क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार T20 सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। मोहाली में 11 जनवरी को पहला मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीमें मोहाली पहुंचकर जमकर प्रैक्टिस कर रही है। अब वैसे तो रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी के साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ यहां पर बदलेगा, तो मोहाली के नेट से आई तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। रोहित शर्मा T20 टीम में बैंग के साथ बतौर कप्तान वापस आए और रोहित ने आते ही सब कुछ बदल दिया है। ओपनिंग जोड़ी, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स और यहां तक कि गेंदबाज भी बदल जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको क्या होने वाली है पहले T20 में भारत की टीम। आप भी कमेंट करके इस टीम पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो हिटमैन अपने अंदाज में गेम को चलाने के लिए, टीम को बनाने के लिए जाने जाते हैं और रोहित जब कप्तान होते हैं तो टीम भी बिल्कुल अपने ही मन मुताबिक चुनते हैं। तो मोहाली में क्या टीम होने वाली है सीधे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिटमैन ही ओपनिंग भी करेंगे। रोहित का साथ शुभमन गिल नहीं देंगे, यहाँ पर गिल की जगह यशस्वी जायसवाल जो कि बाएं हाथ के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं तो वो यहाँ पर नंबर एक पर आकर खेलेंगे, यानी कि रोहित के साथ ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं, और विराट तीसरे नंबर पर आएंगे तो इसका ये भी मतलब है कि हाँ, शुभमन गिल को पहले T20 मैच में मौका नहीं मिलेगा टीम में खेलने का, यानी कि गिल को यहाँ बेंच पर बैठाया जा सकता है। नंबर चार पर तिलक वर्मा को जगह मिलेगी जो पिछले कुछ समय से टीम के साथ चल रहे हैं और ऑलराउंडर की भी भूमिका निभाते हैं, 1 से 2 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह आएंगे जो कि हाल फिलहाल जबरदस्त फिनिशर की भूमिका में दिख रहे हैं और ताबड़तोड़ छक्के मारते हैं। छठे नंबर पर जितेश शर्मा आएंगे जो कि टीम के विकेट कीपर भी होंगे क्योंकि संजू सैमसन को भी टीम में चुना गया है, लेकिन सैमसन को यहां बतौर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है और उन्हें बेंच पर बैठना होगा। और वैसे भी संजू से पहले जितेश शर्मा T20 टीम में लगातार खेल रहे हैं। अब गेंदबाजों की बात करते हैं। बतौर ऑलराउंडर अक्षर पटेल का टीम में खेलना तय है जो कि 7वें नंबर पर आएंगे जहां पर बिल्कुल जड्डू खेलते रहे। तो वहीं दूसरे स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव टीम में वापस आएंगे। जी हां, भले रवि बिश्नोई टीम में मौजूद हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज भी हैं, लेकिन रोहित का भरोसा कुलदीप पर ज्यादा है, इसीलिए कुलदीप यादव को यहाँ पहले मौका मिल रहा है। बतौर मेन स्पिनर कुलदीप खेलेंगे। इसके बाद 3 तेज गेंदबाज भी खेलेंगे। अर्शदीप सिंह पेस अटैक को लीड करेंगे तो वहीं आवेश खान उनका साथ देंगे और दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका दौरे पर काफी अच्छी बॉलिंग की थी, इनका साथ देंगे मुकेश कुमार जो कि लगातार हर फॉर्मेट में टीम के साथ बने हुए हैं। और कुल मिलाकर यही टीम होने वाली है, नेट्स पर नजर भी यही आई, हालांकि बैटिंग को थोड़ा सा और मजबूत करने की अगर कोशिश होती है, रोहित शर्मा यहाँ पर बैटिंग को मजबूत करने का फैसला लेते हैं तो फिर मुकेश कुमार को बाहर किया जा सकता है और शिवम दुबे को उस हालत में टीम में एंट्री मिलेगी जो कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। और शिवम दुबे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे और शिवम दुबे को कुछ ओवर गेंदबाजी भी करनी होगी, तिलक वर्मा के साथ मिलकर 4 ओवर्स का कोटा बॉलिंग वाला पूरा करना होगा। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की आधी टीम बदल गई है, टीम में बहुत सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसी लगी है टीम और रोहित के आते ही बदलाव की झलक दिखने पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।